राम जन्म का मंदिर का निर्माण शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। ट्रस्ट बनाया जा रहा है सरकार को, अब इस पर विचार हो रहा है, जब जैसे बन जाएगा तो राम जन्म बनने की प्रक्रिया शुरू होगा, जो आदेश हुआ उसका पालन होगा। जी हाँ, कोर्ट से निकले और ट्रस्ट पर अटके, बहुत स्वागत है आप सभी का R9 टीवी में। मैं हूं जब्बार खान, दिन की सबसे बड़ी बहस के साथ। दरअसल आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो आस्था जिसके बुनियाद पर सदियों से, 500 वर्षों से लोगों की मांग, लोगों की जिद, लोगों का गुस्सा, आक्रोश और फरियाद, सब कुछ देखा गया इन 500 वर्षों के बीच में। और फिर 9 नवंबर 2019 की एक तारीख आई जब सुप्रीम कोर्ट ने आस्था को समझा, माना और राम मंदिर निर्माण के लिए सारी की सारी जमीन दे दी। मगर वो साधु संत, वो अखाड़े, वो संगठन जो लगातार इस बात की गुजारिश और इस बात को लेकर के अलग अलग तरीके से आंदोलन चला रहे थे कि राम मंदिर का निर्माण हाल में होना चाहिए, मगर जब फैसला आ गया निर्माण कराने का तो आपसी सरफुटवल के शिकार ये साधु संत या अखाड़े क्यों आपस में हो गए? जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि 3 महीने के अंदर केंद्र सरकार एक ट्रस्ट का निर्माण करे जिसकी बुनियाद पर राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा, तो फिर साधु संतों के आस्था के सामने उनके अधिकार आकर के क्यों खड़े हो गए? वो क्यों ऐसा कह रहे हैं कि हमारा ट्रस्ट तो पहले से है, इसी को राम मंदिर निर्माण का हक होना चाहिए? जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि केंद्र सरकार ट्रस्ट बनाएगी, तो फिर उन साधु संतों को कौन समझाए जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना कर रहे हैं, जो अपने अधिकार को लेकर के इस तरीके से मुखर हैं कि आस्था कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही है। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अदालत से निकले और यहां पर आकर के आस्था के नाम पर इस तरीके से ट्रस्ट पर क्यों अटक गए, इसके पीछे की मंशा क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है और उन वजहों में कितना दम है। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान इस वक्त चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ आपसे कराएं, मगर उससे पहले आइए अब तक क्या कुछ हुआ इस विषय पर देख लेते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। चालीस दिनों तक चली सुप्रीम सुनवाई के बाद राम मंदिर का रास्ता साफ हो गया। राम भक्तों में उम्मीद भी जगी कि अयोध्या में राम का जन्म स्थान उनको मिल जाएगा, लेकिन कोर्ट से जो मामला निकला था वो अब ट्रस्ट पर आकर अटक चुका है। मंदिर निर्माण के लिए कोर्ट ने ट्रस्ट बनाकर काम आगे बढ़ाने का आदेश दिया, तो दूसरी तरफ राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास ने साफ कर दिया है कि राम मंदिर के लिए एक ट्रस्ट पहले से ही मौजूद है। पहले से ही राम जन्मभूमि न्यास बना हुआ है, न्यास माने वही ट्रस्ट, पहले से राम जन्मभूमि न्यास बना है, उसी में और संख्या बढ़ा करके वही राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट हो जाएगा। सुप्रीम सुनवाई पूरी होने के साथ ही लड़ाई ट्रस्ट पर आकर अटक गई है। गोपाल दास का दावा है कि राम मंदिर का ट्रस्ट पहले से मौजूद है, तो दूसरी तरफ पंच निर्वाणी अखाड़े के परमाध्यक्ष श्री महंत धर्मदास ने राम जन्मभूमि न्यास को बाधा बाबा तक कह दिया है। अब ये से लोग बाधा डालने लगे, ये बाधा बाबा है लोग है कि नहीं, राम जन्मभूमि के किस तरह से नोचा जाए, जिस किस तरह से सेवक सती बना करके हम अपना दुकान चलावे, ये लोग तो उनका दार है, ये लोगों का खाली कोई और कोई मतलब नहीं है कि राम जन्मभूमि के इस समय कैसे बनेगा, क्या होगा, ये बस इतने ये लोग हैं। इसलिए नृत्यगोपाल दास जी की वृद्धा अवस्था है, क्या बोल दिए, क्या कर दिए, इस पर हमको ढेर विचार करने की जरूरत नहीं। उधर दूसरी तरफ रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का साफ कहना है कि आगे का हर काम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से ही होना चाहिए। आचार्य सत्येंद्र दास ने साफ कर दिया कि ट्रस्ट से जुड़ी हर जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र सरकार की है। जिम्मेदारी अब केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार नया ट्रस्ट बनाता है कि उसी के साथ जुड़ता है, उनकी जो मांग है यदि वो कहते हैं इसको मांग, यदि केंद्र सरकार मानती है तो वही ट्रस्ट रहेगा, और नहीं यदि नया बनाना चाहते है तो नया बनेगा।
तमाम बयानों के बीच अयोध्या में इस तरह की बयानबाजी का असर राम भक्तों पर भी पड़ रहा है। अपनी अपनी मांगों पर अड़े संतों ने हंगामा शुरू कर दिया है। इस सब के बीच डर इसी बात का पैदा हो चला है कि मंदिर निर्माण के लिए सिर्फ टव्वल जैसे हालात न पैदा हो जाएं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को और अमित शाह को भी ट्रस्ट में शामिल करने की मांग उठाई जा रही है। उधर मुस्लिम पक्ष की तरफ से मस्जिद के लिए जमीन का दबाव बनने के बाद से ही मस्जिद के लिए ट्रस्ट बनाने की मांग भी उठने लगी है। लेकिन इस सबके बीच दशकों से जो केस कोर्ट की दहलीज पर अटका था, अब ट्रस्ट के खेल में फंसता दिखाई पड़ रहा है और नतीजा हर रोज बढ़ती बाधाओं के रूप में सामने आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV। तो आपने ये रिपोर्ट देखी और दरअसल ये स्थिति और विडंबना है कि अभी मंदिर निर्माण का काम शुरू नहीं हुआ मगर राम के नाम पर निर्माण को लेकर के तकरार की ऐसी स्थिति बनती हुई जा रही है साहब कि आज अयोध्या के अंदर जिस किस्म की सरफुटवल की स्थिति आई कि कंट्रोल करने के लिए पुलिस तक को बुलाना पड़ गया। हम चर्चा पर चलेंगे मगर उससे पहले आइए R9 TV के सवाल आपके सामने रखते हैं जिसके इर्द गिर्द हम अपनी चर्चा को ले जाएंगे। कोर्ट के बाद अब ट्रस्ट को लेकर के ये माथापच्ची क्यों है, कितनी जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्यों अड़ंगा लगा रहे हैं ये सारे के सारे साधु संत, क्या अब ट्रस्ट के बहाने सियासत होगी या फिर राम मंदिर बनाने में अब क्यों बाधा है या जानबूझ करके सिर्फ अपने अधिकारों को लेकर के अब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आस्था एक साइड में छूटती हुई दिख रही है। हमारे साथ सारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता के तौर पर इस वक्त देवेंद्र प्रमुख जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है सर आपका। साथ में हमारे साथ में धर्मगुरु यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, आपका भी स्वागत है। साथ में फाजिल अहमद साहब मुस्लिम स्कॉलर राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ में जुड़े हुए, आपका स्वागत है सर। उमानंद कौशिक जी हैं प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद, आपका स्वागत है सर। साथ में प्रमोद कुमार जी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, आपका स्वागत। HS रावत जी धर्मगुरु और आचार्य विष्णु विनोदम धर्मगुरु के हैसियत से जुड़ेंगे थोड़ी ही देर में, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता मोहम्मद रफी साहब भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आप सभी लोगों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। अब ऐसे में शुरुआत में आपसे ही करना चाह रहा हूं SH रावत जी आज की इस चर्चा के जी। कि अभी तक लड़ाई इस बात को लेकर के चल रही थी कि साहब राम मंदिर के निर्माण पर फैसला आए, राम मंदिर निर्माण के लिए हमें अधिकार मिले, मगर अब अपने निजी अधिकारों के लिए आप लोग आपस में ही लड़ने शुरू कर दिए। जफार जी, जब कोई शादी होती है ना तो बड़े खुश होते हैं सब परिवार के सभी लोग, और उसमें कोई ना कोई तो रूठ ही जाता है, फिर उसको मनाते भी हैं और फिर शादी होती है, शादी रुकती नहीं किसी के रूठने से। यहाँ ये खुशी का माहौल है, अब कहीं ना कहीं किसी साधु संत की कोई अवेलना हो गई है। शादी किसी एक परिवार का निजी मामला है, ये एक आस्था का मामला है जिसमें पूरे देश में किसी की भी कोई हिम्मत नहीं है। सर फैसला आया, मैं कह रहा हूँ किसी की कोई हिम्मत नहीं है कि जो इसे ट्रस्ट में कहीं ना कहीं नुक्ताचीनी निकाल जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अवमानना का नोटिस जारी हो जाएगा और जो ट्रस्ट बनेगा उसमें सरकार के नुमाइंदे होने जरूरी है। और ये जो ट्रस्ट बनेगा, वेदांती जी का ऑडियो और परमहंस दास जी का ऑडियो आपने सुना, ऑडियो क्लिप सुनी, हंगामा कितना हुआ ट्रस्ट के अधिकार को लेकर के या ट्रस्ट में रखने को लेकर के या उसके अध्यक्ष को लेकर के। मैं फिर कह रहा हूँ जब कोई खुशी का माहौल होता है तो अपनी अपनी महत्वता के लिए, अब उन्होंने किया तो टीवी पे उनकी वाइट आ गई ना कहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब एक है। और ट्रस्ट बनेगा, बनने के बाद जिस प्रकार से द्वारका के अंदर हमारा सोमनाथ का मंदिर बना था सरकार की देखरेख में, ट्रस्ट की देखरेख में बना था, उसी प्रकार से बनेगा और भव्य मंदिर का निर्माण होगा, निर्माण का कार्य शुरू हो, कुछ नहीं होता। मगर यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी, अभी बाजार लगी नहीं और लुटेरे पहले ही आ गए, मतलब क्या धर्म गुरु ये शब्द कोई उचित नहीं है। जब भाई कोई लुटेरे नहीं है, सारे साधु संत नहीं नहीं अरे सर सुनिएगा ना सही, मैं एक सेकंड सुनिएगा सहमत नहीं हूं, मैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल साधु संत के लिए नहीं कर रहा, सुनिए सर, कोई लुटेरा नहीं, कोई बाजार नहीं है, सब शांति के साथ होने वाला है। सर सुनिएगा, मैं कह रहा हूँ की आग मत लगाओ आप। अरे सर सुनिएगा, बाजार अभी लगी नहीं मगर वो कहावत है कि
चोर उचक्के पहले आ गए, क्या वही स्थिति कि अभी चीजें जमीनी स्तर पर आना शुरू नहीं हुई और इस किस्म से आपस में सरफुटवल? हमारे साथ में रामविलास वेदांती जी इस वक्त जुड़ चुके हैं फोनलाइन के जरिए, मैं आपकी तरफ वापस लौटता हूं। रामविलास वेदांती जी, क्या बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये बात नहीं लगती है कि ट्रस्ट में या ट्रस्ट के मुखिया के तौर पर आप लोगों का जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन सामने आया, कैसे उसको देखे सर? मुझे लगता है कि संपर्क टूट गया है और मैं ऐसे में आपकी तरफ यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी, ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है, मैंने एक मिसाल देनी चाहिए, हालांकि वो मिसाल मैं साधु संतों के लिए उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, मैं कह रहा था जो एक स्थिति उत्पन्न होती है वही स्थिति क्या नहीं आ गई है? देखिए टेलीफोनिक कन्वर्सेशन क्लिप जिस तरीके से सामने आई, आज अयोध्या के अंदर जिस तरीके से आपस में सरफुटवल की स्थिति हो गई, पुलिस को आना पड़ता है। देखिए जब्बार जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि न्याय के सर्वोच्च मंदिर ने एक फैसला दिया है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि सरकार इसमें ट्रस्ट बनाए, तो सरकार की जिम्मेदारी है उन लोगों को रखना जो इस आंदोलन से बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे। सरकार अपने आप देखेगी, लेकिन जो कुछ हो रहा है उन हमें ध्यान रखना चाहिए कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर का निर्माण होना है और सारे जीवन सत्ता उन्होंने देखिए जब्बार जी, ध्यान रखा जाएगा जब सरकार इसमें रखा जा रहा है। सरकार वेदांती जी फोन के जरिए जुड़ चुके हैं, आपकी तरफ वापस आता हूं। सरकार मैं आपकी तरफ वापस आता हूं, टेलीफोन पर है, ठीक है, उस दिन ध्यान रखा जाएगा। ठीक है रामविलास वेदांती जी, आप ये स्थिति जो इस वक्त देखने को मिल रही है कि सर फुटबॉल की स्थिति आ गई कि साहब राम मंदिर निर्माण के लिए अधिकार हमारे पास आ जाए, मैं ट्रस्ट में रहूं, मैं ट्रस्ट का अध्यक्ष बन जाऊं, कितना उचित है और कितने शर्मनाक है सर ये? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। मेरा सवाल यह है कि सर फुटबॉल की स्थिति क्यों है राम मंदिर निर्माण को लेकर, जब कोर्ट ने यह कह दिया कि साहब ट्रस्ट बनाएगा केंद्र सरकार? देखिए अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट का जो उस आदेश के अनुसार अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण जो नई कमेटी बनने वाली है उसके द्वारा होगी, या जो हमारे नित कुमार दास जी महाराज जो न्यास के अध्यक्ष हैं उनका कहना यह है कि इसी न्यास को नई समिति के रूप में बदल दिया जाए तो अच्छा है। तो जो भी निर्णय लेना है सरकार को लेना है, सरकार जो निर्णय करेगी उसका मैं स्वागत करूंगा। कहां आप लोग ऐसा कर रहे हैं? आप लोग तो ये कह रहे हैं कि साहब नृत्य गोपाल दास ये कह रहे हैं कि साहब एक संस्था पहले से है, राम जन्मभूमि न्यास पहले से है, इस राम जन्मभूमि और उसी को राइट दे दिया जाए सारे न्यास के द्वारा बने तो बहुत अच्छा है, नहीं तो यदि किसी न्यास का निर्माण होता है, किसी ट्रस्ट का निर्माण होता है तो यदि गोपाल दास को उसका अध्यक्ष बना दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। रामानंद संप्रदाय का कोई संत अध्यक्ष होगा तो नित गोपाल दास से अच्छा कोई संत नहीं है, इतनी गोपाल दास को अध्यक्ष बनाया जाए सबसे अच्छा रहेगा। तो क्या आस्था के मुकाबले अधिकार की लड़ाई भारी पड़ रहा है इस वक्त? जो काम सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार को करने के लिए, आप लोग बीच में खुद से फैसले क्यों ले रहे हैं सर? नहीं, हम लोग कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, सरकार जो फैसला करेगी हम उस फैसले के साथ में हैं। सुप्रीम तो फिर कोर्ट का निर्णय है कि तो भारत सरकार परमहंस दास जी और आपके बीच की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को क्या समझे? क्या परमहंस दास जी के और अब आपके बीच में कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ? नहीं, कोई मेरी वार्ता नहीं, बिल्कुल झूठा आरोप। ऑडियो क्लिप को आप नकार रहे हैं? कोई वार्ता हुई नहीं, मेरी भाषा ही नहीं हो, मेरी बाड़ी नहीं, मेरी कोई भाषा ही नहीं है। आपके लिए एक साजिश रची गई, आप ये कह रहे हैं? मैंने इस प्रकार की कोई बात उनसे किया ही नहीं। तो कौन आपके विरोधी है जो ऐसा करवा रहे? जी, किसी ने ऐसा किया होगा तो उनको इससे क्या हित हासिल होगा? बहुत ऐसे लोग हैं जो आपस में लोगों को लगाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, कोई ना कोई तो मोटिव होगा, सरकारी होगा जिस प्रकार की बात बोला होगा। ये तो आपको बदनाम करने के पीछे उनका मकसद क्या होगा कि आपकी आवाज किसी से निकलवा करके ऐसा ऑडियो क्लिप जारी किया जाए? बहुत ऐसे षड्यंत्रकारी लोग हैं, मैं तो समझता हूँ किसी कांग्रेसी ने, किसी सपाई ने इस षड्यंत्र को किया है जानबूझकर मेरे नाम पर। ऐसा कर सकते हैं लोग, मेरी भाषा से ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस प्रकार किसी शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। नितमाल दास जी हमारे पूज्य हैं, इस आंदोलन से प्रारंभ से ही जुड़े हुए हैं। चलिए ठीक है, आरलाइन टीवी पर आप ये कह रहे हैं कि साहब मैं मेरी आवाज जो नहीं है और मेरे साथ में साजिश की जा रही है,
और आप श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं नृत्य गोपाल दास जी के प्रति। बहुत शुक्रिया रामविलास वेदांती जी आरलाइन टीवी के जरिए जुड़ करके अपनी बात रखने के लिए। अब ऐसे में जाहिर तौर पर आप क्या किया जाना चाहिए? उमानंदन कौशिक जी, वीएचपी का अपना एक फॉर्मूला रहा है, अपना एक नक्शा रहा है शुरुआत से ही, क्या उसी नक्शे के आधार पर राम मंदिर का निर्माण हो या फिर केंद्र सरकार जो ट्रस्ट बनाने जा रही है सहमत है पूरे तौर पर आप लोग उसमें, तो फिर इन साधु संतों को कैसे मनाएंगे जो ये कह रहे कि साहब हमारा अधिकार ज्यादा है, हमारा अधिकार ज्यादा है, हमारा अधिकार ज्यादा है। जबर भाई, मैं पहले तो एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा, मैं विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता नहीं हूँ, आप सामान्य कार्यकर्ता हूँ, तो उसमें आप प्रवक्ता को वहाँ से हटवा दीजिए क्योंकि प्रवक्ता एक बहुत बड़ा, ठीक है, लेकिन आज हमारी हमारी चर्चा में आप मेरा प्रवक्ता का वहाँ से हटवा दीजिए, विश्व हिंदू परिषद की पार्टी की लाइन को रखेंगे, फिर मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, प्रवक्ता है उसको हटवा दीजिएगा। दूसरा रहा, क्योंकि ये लगभग 500 वर्षों की लड़ाई के बाद में ये सौभाग्य प्राप्त इस जनरेशन को हुआ है कि उनकी आंखों के सामने हमारे परम आराध्य भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा, और उस सम्मान को कौन नहीं लेना चाहेगा, ये भगवान की बारात है, इसमें हर कोई शामिल होना चाहेगा, तो ये उस सम्मान को लेने की लड़ाई या किसी भी साधु संत में किसी भी सम्मान लेने की मेरी बात अधिकार लेने की कोई अधिकार की बात नहीं, केवल ये एक सम्मान, उस पहले ट्रस्ट का पहला अगर मैं कार्यकर्ता मैं भी उसमें सदस्य बनूं तो मेरे लिए बड़े परम सौभाग्य की बात है, मेरे पूर्वजों के लिए है और मेरी जनरेशन के लिए परम सौभाग्य की बात है कि उमानंदन उसमें उस ट्रस्ट का कहीं एक छोटा सा भगवान के दरबार में झाड़ू लगाने वाला भी बना, तो ये तो केवल सम्मान की लड़ाई है कि वहां पे मुझे भी उस सम्मान में मुझे भी वो सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं उस ट्रस्ट का रहता, उससे ज्यादा और कोई लड़ाई नहीं। विमर्श ठीक है, बातचीत होना ठीक है, हाँ, विकल्प देना ठीक है, हाँ, लेकिन उसका स्तर इस तौर पर आ जाए कि नहीं, ये पुलिस जैसे जैसे भी महाराज जी ने नृत्य गोपाल दास जी ने कहा, मगर उस आवाज को हम कैसे मान लें कि महाराज जी की आवाज नहीं है, उन्हीं की आवाज है, नहीं वो तो फिर आप उनका एफएसएल में भेजिएगा ना, वहाँ पे चेक कराइएगा, वो रिपोर्ट में चेक कराया, ये इस स्थिति वो नहीं हो नहीं सकता, अलग अलग अखाड़ा नहीं भाग रहा। दूसरी रही चीज, विश्व हिंदू परिषद ने केवल इस आंदोलन को लड़ा है और वहां पे बलिदान किए, करीब 4.5 लाख कार्यकर्ताओं के हिंदुओं के वहां पे बलिदान हुए इस स्थिति तक पहुंचने के लिए, और विश्व हिंदू परिषद बिल्कुल भी इसका दावा नहीं करता कि उन्होंने कहा कि मैं हमारा काम केवल इस लड़ाई को यहाँ तक तो लेके आना, मंदिर नक्शे का क्या होगा जो नक्शा वही में रखा हुआ है, उस पे हमारा 70% 60% का हमारा पत्थर तैयार हो चुका, वही बनेगा, आप देख लीजिए बनेगा, कह रहे हैं कि उस वक्त थोड़ी सी जमीन थी, उस वक्त के हिसाब से नक्शा लगता नहीं, बिल्कुल उसको बदलना पड़ेगा, कोई नहीं, जब बड़ा रकबा उसमें मंदिर तो उतना ही बनेगा ना, मंदिर को पूरा तय है, मंदिर तो उतना ही बनेगा, पूरे जो 67 एकड़ जमीन है उसमें थोड़ा पूरे मंदिर, उसमें तो फिर वहां पे पार्किंग होगी, वहाँ पे आपके म्यूजियम बनेंगे, वहाँ पे भगवान की सारे बनेंगे, जाने से कहूं की तरफ में जल्दी आप इसको ना दूसरा एंगल ना दें, ठीक है मैं कोई दूसरा एंगल नहीं, मगर एक छोटा सा रिएक्शन में आपसे रावत जी, क्या वीएचपी ने विश्व हिंदू परिषद ने अपनी प्रयोगशाला में जिस नक्शे को बनाया और जो एक पूरा खाका तैयार किया, आज भी उस वक्त थोड़ी जमीन थी, आज ज्यादा जमीन है, उसी नक्शे को इंप्लीमेंट किया जाएगा और आप लोगों को या किसी धर्मगुरु को किसी अखाड़े को किसी संगठन को कोई इतराज नहीं होगा? जब्बार जी, जो नक्शा बना था उस नक्शा बनवाने में मैं खुद इन्वॉल्व हूँ क्योंकि मैं वास्तु एक्सपर्ट हूँ, उसकी भूमिका को मैं जानता हूँ और वो जो पूरी जमीन है उसके अनुसार अशोक सिंघल जी ने, माननीय अशोक सिंघल जी ने पहले ही तैयार किया था, इसलिए ये गलत फहमी में मत जाइए कि छोटा नक्शा बड़ा नक्शा, वो भव्य राम मंदिर का निर्माण जो है वो लोग यही कह रहे हैं सर, बिल्कुल नहीं, वो बनेगा बेसिंधु परिषद, आज उसका उसकी प्रासंगिकता नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल वही प्रासंगिकता है और उसी प्रकार बनेगा, और अशोक सिंघल, माननीय अशोक सिंघल जी ने जो आंदोलन किया था कौन सुलझाएगा उसको, चेंज ही नहीं कर सकते साहब, आप तो वीएचपी वर्सेस अलग अलग संगठन हो गए, अलग अलग अखाड़े सामने आ रहे हैं क्योंकि नक्शा तो वही रहेगा, ऐसे में क्या किया जाए? देवेंद्र प्रमुख जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार बनाएगी ट्रस्ट 3 महीने के अंदर और फिर काम शुरू किया जाएगा, कई सारे धर्मगुरु कई सारे अखाड़ों की तरफ से संगठन की तरफ से यह कहा जा रहा है कि साहब केंद्र सरकार का मतलब बीजेपी, चूंकि वीएचपी बीजेपी के दोस्त है इसलिए बीजेपी का मतलब वीएचपी, वीएचपी का मतलब बीजेपी और वीएचपी जो चाहेगी वही होगा, और इसी बात से ज्यादा दिक्कत है उन अखाड़ों को जिनकी पहुंच या जिनकी कुर्बत बहुत ज्यादा वीएचपी या बीजेपी से नहीं है। जब्बार खान साहब, सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूंगा कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन किया है वो सरकार को एक देखिए आदेश हुआ है, सुप्रीम कोर्ट सर्वे पर ही है, आदेश करता है, सरकार को करने का पूरा अधिकार है और सरकार की ड्यूटी सबसे पहले बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि उसे
बहुत अच्छे तरीके से निभाया जाए। जो कोर्ट्स का बनता है वो सरकार करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये देखिए, हमारे धर्मगुरु बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं कि आस्था का मामला है, सबका स्वागत है। इसमें मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि मुझे लगता है, जो मेरी अपनी सोच है वो यही है कि इसमें जो है कि धन की कोई बात नहीं है कि इतना बड़ा ट्रस्ट बना कि बहुत लोग इसका धन देना चाहते हैं। देवेंद्र जी, बहुत लोग इसमें जो है अपना दान देना चाहते हैं। मेरा सवाल बस इतना है, ये इतना बड़ा ट्रस्ट बनने जा रहा है, देखिए साहब इस पे ट्रस्ट बनाइए, केंद्र सरकार खामोश है। मैं वहीं आ रहा हूँ, आप इसी बात पर आ रहा हूँ। शीतकालीन सत्र के अंदर इस पर बिल लाने या विधेयक लाने की बात होगी। मैं केंद्र सरकार खामोश, लेकिन दूसरे लोग जो अपने आप को बड़े स्टेक होल्डर्स बता रहे हैं, वो आकर के ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि साहब राम मंदिर निर्माण पर एक बार फिर से सरपुट बोला गई है। मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, ये हमारे प्रवक्ता पहले भी बोल रहे हैं और धर्मगुरु भी बोल रहे हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल और सिंगल आस्था का मामला है, ना किसी का ऐसा कोई मन में भेद है कि वो इसमें इस वजह से कि ये बहुत बड़ा ट्रस्ट बनने जा रहा है। इस बात से और मैं सिर्फ ये क्लियर करना चाहता हूँ, उनके अधिकार भारी पड़ रहे हैं, इसलिए तो लड़ाई हो रही है। आप कह रहे हैं कि सिर्फ आस्था के, ये आस्था का देश है। देखिए जब बार सर इस तर्क में, ये आस्था का देश है, इसे बदला नहीं जा सकता, ये किसी सरकार के हाथ का काम नहीं है, इसको कोई नहीं रोक सकता। और दूसरा मैं कहता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार के लिए आदेश किया है वो आदेश मान्य होगा, वो सरकार बिल्कुल निश्चित मान्य। ठीक है सर, 100% मैं अभी दो मेहमानों की तरफ जाने सका हूं, जल्दी से मैं आपकी तरफ फाजिल अहमद साहब, फिर आप उसके बाद में मैं आपकी तरफ आऊंगा प्रमोद कुमार जी। लेकिन फाजिल अहमद साहब, अभी तक राजनीतिक पार्टियों के बीच में राजनीति हो रही थी, क्या साधु संतों के बीच में कोई एक ऐसी चीज, एक ऐसा बिंदु आ गया जिसकी बुनियाद पर एक दूसरे को हटाने की कोशिश है, या उसको राजनीतिक लिबास कहा जा सकता है? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उस समय इस बात की आशंका जाहिर की जा रही थी कि ऐसा हो सकता है। देखिए, यहाँ साधु संतों की लड़ाई नहीं है, विवाद उस बात पर जरूर पैदा होगा जब सत्ता में बैठे लोग उस ट्रस्ट में मेंबर बनना चाहेंगे। अब आज आप मुख्यमंत्री हैं और आज आप गृह मंत्री हैं, तो आप चाहते हैं कि ट्रस्ट में हमारी भी भूमिका रहे, हम ही मेन सब कुछ रहे, इस पे तो आपत्ति हो नहीं होना। गृहमंत्री ने तो ऐसी कोई बात ही नहीं, बात चल रही इसी बात की तरफ से, विवाद जो हो रहा है देखिए, आपकी रिपोर्ट में बोला गया है, आपने जो आपने रिपोर्ट दिखाया उसमें भी ये बात कही गई और यही सच्चाई है। जब सत्ता के बैठे लोग, देखिए सत्ता का आदमी लालची बहुत होता है, साधु संत तो लालची नहीं होते। सत्ता में जो भी रहता है, चाहे हम ही क्यों ना हो जाए, सत्ता जैसे ही सत्ता का शब्द लग जाता है आदमी लालची बहुत हो जाता है। अब वही लालच यहाँ पे, और सत्ता चुकी है तो उन ताकत भी है उनके पास, अब सुप्रीम कोर्ट ने सारा पावर उनको ही दे रखा है, यहाँ तो ये होना ही था। अब जब तक कि सत्ता के लोग अपनी लालच से बाहर नहीं आते, निश्चित रूप, मैंने उस दिन भी कहा था कि देखिए भगवान राम जब अयोध्या आए तो लवकुश ने घोड़ा रोक दिया। दिख रही है ये पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि सत्ता वालों से ज्यादा लालच जो है दूसरे नहीं, नहीं देखिए सत्ता नहीं, सत्ता के साजिश को समझिए, निस्वार्थ होकर के भव्य राम मंदिर सत्ता चाहने वाले, इसमें हम सब लोग साथ हैं, अलग 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 सब रास्ता बना, सत्ता चलाने वाले षड्यंत्र के माहिर होते हैं। ठीक है, जो भी सत्ता चलाता है वो षड्यंत्र का माहिर होता है, वो सामने ना आकर किसी को आगे कर दे रहे हैं। ठीक है, रफियाता साहब दूर बैठ करके आप पर तो तब भी आरोप लगते थे कांग्रेस पार्टी के ऊपर में, रफियाता साहब बताइएगा ये पूरा जो प्रकरण चल रहा है, कोई सलाह मशवरा आपके पास में है? तो का काम है साधु संत इस पर डिसीजन ले, ये आपस में लड़ रहे हैं, तो मुझे तो यही लगता है कि लड़ाई जो आस्था की नहीं थी, लड़ाई जो है ना वो सत्ता की थी, लड़ाई आस्था की नहीं, लड़ाई लालच की है, लड़ाई फायदे की आपके नजर में। मगर मैं माफी के साथ आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, सत्येंद्र कुमार जी मुख्य पुजारी इस वक्त हमारे साथ में अयोध्या से जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र देव जी, आप ये जो एक स्थिति उत्पन्न हुई है इसको आप किस तौर पर देखते हैं और अब उस पर क्या क्लैरिटी आप रख रहे हैं, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं, जो जनता है देश की या विदेशों में बैठी हुई, इसको देख करके आपसे इस प्रोटोकॉल को देख करके निर्माण पर सोच क्या रही होगी? ये बात जो चल रही है बीच में आपसी विवाद की वो दुखद है, लेकिन ये समझ लीजिए कि इन्हें गिने दो चार लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं, बाकी सभी संत और एक राय है कि मंदिर जिस प्रकार से हो, भव्य मंदिर बने, तो सबके राय एक अलग है। तो चार हर कहीं पर कोई तो भी आप, काम होता है तो कुछ न कुछ होते हैं। ठीक है, राम जन्मभूमि न्यास की राय क्या है कि उनको दे दिया जाए, ट्रस्ट पहले से है, यही मंदिर का निर्माण कराए?
देखिए ऐसा है कि हमने कह दिया पहले कि ये जिस प्रकार से कोर्ट का सम्मान ये इस रूप में हम कर रहे हैं कि रामलला के पक्ष में आदेश आया, उसी प्रकार से जो कोर्ट के दिया है, ये केंद्र सरकार को दिया है, उसका भी सम्मान हमको करना चाहिए और केंद्र सरकार जिस रूप से ट्रस्ट बना हुआ है उसमें साझा तो फिर नृत्य गोपाल दास जी ये क्यों कह रहे हैं कि एक ट्रस्ट पहले से बना हुआ है उसको नया बनाने की जरूरत क्या है, उसी में लोगों को जोड़ दिया जाए, उसी को नया कर दिया जाए? देखिए वो ट्रस्ट जरा सा अपनी बात हर व्यक्ति कहता है, वो इतने दिनों से वो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष रहे हैं, तो अध्यक्ष होने के कारण से हर व्यक्ति अपनी बात कहता है, तो अपनी बात यदि वो राय देते हैं तो कोई अनुचित नहीं है। नहीं, नहीं, ये उनकी अपनी राय, निजी राय उन्होंने नहीं रखी है, उन्होंने ट्रस्ट के बिहाफ पर, राम जन्मभूमि न्यास के बिहाफ पर ये बात रखी है कि हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, हमें ही इस पूरे मामले में सारे अधिकार मिलने चाहिए। देखिए जो बनते हैं साधु समाज में कि हम सबसे बड़े हैं, बिल्कुल गलत है, साधु समाज में कोई ऐसा नहीं है, सभी अपने अपने साधु साधना से बड़े हैं। ठीक है, लेकिन इस प्रकार तो से आप सहमत हैं, केंद्र सरकार जो ट्रस्ट बनाएगी आप लोग उस पर सहमत हैं और महंत नृत्य गोपाल दास जी को आप लोग समझाएंगे अब? जी हाँ बिल्कुल, हम कह रहे हैं कि वो मानती है, अपनी बात कह दिए हैं। ठीक है, चलिए, आपने वक्त निकाला R9 टीवी के माध्यम से, जनता तक आपने ये स्पष्टीकरण दिया कि नृत्य गोपाल दास जी जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो जहां देश से लेकर के विदेश में रहने वाले भारतीय या दूसरे लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अयोध्या कब धर्म नगरी उस तौर पर विकसित हो या राम मंदिर का निर्माण हो, जहां पर विश्व के अलग अलग हिस्सों से आकर के लोग न सिर्फ दर्शन कर सके बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी विश्व के मानचित्र पर अयोध्या की अपनी एक अलग पहचान बने, और कब होगा जल्दी से हो इसका इंतजार और आंखों में यही उम्मीद। मगर इस बीच में इस तरीके से ये बात सामने आ रही कि क्या अलग अलग खेमे के साधु संत भी अलग अलग हैं, उनके अपने अपने विवेक अलग अलग हैं, राम मंदिर निर्माण को लेकर के भी वो इतनी ज्यादा महत्वाकांक्षी हो रहे हैं या फिर आस्था के मुकाबले अधिकार बढ़ रहा। मगर इन तमाम चीजों में हमने सबका पक्ष दिखाया, आइए देख लेते हैं कि रामालय ट्रस्ट इस पूरे मामले में क्या कहना है, क्या कह रहे हैं सुनते हैं। सनातन धर्मियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 25 प्रमुखतम धर्माचार्यों की सदस्यता वाले न्यास को शास्त्रविद और परंपराओं के अनुसार मंदिर निर्माण का अवसर दिया जाना चाहिए। पत्र में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा इस हेतु बनाई गई स्कीम योजना और शर्तों को रामालय न्यास स्वीकार करने को तैयार है। यह भी कि केंद्र सरकार इस न्यास में किसी रूप में केंद्रीय और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का या किन्हीं और भी विरोधियों को रखना चाहती है तो न्यास इसके लिए भी तैयार है। तो हमारा ये कहना है कि अगर की तरफ से ये बातें आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में आयोजित की गई और उसके बाद इन तमाम चीजों का जिक्र आपने सुना, यानी कि ट्रस्ट बनाए केंद्र सरकार और उसमें उत्तर प्रदेश सरकार से या फिर केंद्र के सरकार से लोगों को भी शामिल किया जाए। और भी कुछ महंतों ने क्या कहा है वो भी सुन लेते। हमारा ये कहना है कि अगर ऐसे ट्रस्ट के उपस्थित होने पर भी, देश के वरिष्ठ धर्माचार्यों के उपस्थित होते हुए भी अगर सरकार इनको इग्नोर करके नया ट्रस्ट बनाने की कोशिश करेगी तो देश सवाल पूछेगा कि आपका निहित स्वार्थ इसमें क्या था, क्यों आपने इतने बड़े बड़े धर्माचार्यों को एक तरफ कर दिया, एक और दूसरे न्यायालय इस बारे में गुण दोष का विचार करेगी, तदनुसार फैसला करेगी, हम न्यायालय जाएंगे। अब ऐसे में प्रमोद कुमार जी, सुप्रीम कोर्ट के आप वकील हैं, लीगालिटीज को अच्छे तरीके से समझते हैं और मौजूदा वक्त में जो एक स्थिति उत्पन्न हुई है या हो रही है या बढ़ती जा रही है उसको क्या कहा जाए, कैसे देखा जाए और क्यों ऐसा ये लोग कर रहे हैं? जब दिन होता है ना तो बहुत सारे जो है पशु पक्षी जो है चिल्लाते हैं, चहकते हैं, ये हैं, तो ये ठीक है, ये सवेरा इनका हुआ है तो कुछ चहक रहे हैं, कुछ फुदफुदा रहे हैं, कोई दौड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली देखिए का आदेश है उस पर फोकस करना पड़ेगा। अब हर आदमी को चाहेगा पूरब जाने तो नहीं कर रहे ना, एग्जैक्टली, तो मैं कह रहा हूं ये लोग जो है आज के खदोत हैं। क्या क्या इस बीच में पिछले 2-3 दिनों से ये सारी चीजें सामने आ रही है, केंद्र सरकार की तरफ से कोई एक बात कोई मिलता जाकर बयान जारी करता है कि देखिए हम ट्रस्ट का निर्माण कर रहे हैं, आप लोग गैर जरूरी तौर पर ऐसी बातें कह करके एक अलग विवाद मत उत्पन्न कीजिए, अच्छा नहीं होता? देखिए जैसा मैंने बताया कि ये जितने भी लोग आज ये आवाज उठा रहे हैं वो आज के खदोत सम हैं। खदोत मतलब होता है एक जुगनू टाइप का,
जुगनू है जो जहां तहां प्रकाश देते रहते हैं। लेकिन इसमें तो बहुत महत्वपूर्ण लोग भी हैं सर। बिल्कुल बता रहा हूं, वो महत्वपूर्ण हैं, वो अपने फील्ड के हैं, लेकिन ये उनके उनका जो फील्ड है केवल पूजा पाठ से है, श्रद्धा से है। ये केवल श्रद्धा का सवाल नहीं है, ये केवल एक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है। इसीलिए यही सोच करके आप सोचिए ना कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, यदि 1045 पेज का उन्होंने आदेश दिया है और हर पहलू पर रिसर्च कर करके दिया है, तो बहुत सोच समझ करके उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर दिया है कि आप इस तरह का ट्रस्ट बनाइए। और ट्रस्ट के ट्रस्ट को भी ये नहीं है कि अनलिमिटेड टाइम के लिए बता दिया, उन्होंने कहा 3 महीने के अंदर में बनाइए और विधिवत बनाइए। आगे रखकर आज तक जितने आंदोलन हुए उसमें सबसे आगे चलने वाले धर्म गुरु थे और आस्था का विषय तो है ही, क्योंकि अगर सुनिए प्रमोद जी, अगर आस्था का ये विषय नहीं होता तो 100 करोड़ हिंदू टकटकी लगाए हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ नहीं देखता, आज दरकिनार। देखिए मैं इस बात से सहमत हूं कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है वो बिल्कुल फॉलो होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार इसमें ट्रस्ट बनाए, लेकिन सरकार का ये दायित्व बनता है कि जिन धर्म गुरुओं ने सड़कों पर चलकर इस आंदोलन को खड़ा तो थोड़ा करना पड़ेगा। उन्हें जुगनुओं ने इस्लाम मंदिर के आंदोलन को प्रशस्त किया है। आपकी जो भाषा शैली है, जुगनू नहीं है धर्म गुरु, धर्म गुरु ने अपने खून पसीने से सींचा है। वो ऐसा आंदोलन अपने धर्म गुरु ने सींचा है, कितने धर्म गुरु भी मिल गए सिर्फ इस आंदोलन को खड़ा करने के लिए। फिर जो है वो न्यास को, न्यास तो पार्टी थी, न्यास को जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े को बहुत क्लियरिटी दे दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर ट्रस्ट बनाएगी 3 महीने के अंदर में। और अभी तो अभी तो आपको इग्नोर कहा गया जा रहा है, अभी ट्रस्ट बनाएगी, ट्रस्ट में आप देखेंगे जो भी समतुल्य होंगे, ठीक है, चर्चा अटैच चर्चा बिंदुओं पर तर्कों पर आधारित फिर सार्थक बनाते हैं इसे। और ठीक है रफिया अता साहब, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे, अपनी बात रख दीजिए, उसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूं। सर मैं ये कह रहा हूं, सबके सामने नजर आ रहा है, वो सत्ता वाले जो आज सत्ता में बैठे हैं वो लोग क्यों नहीं इसमें शामिल होंगे? बेचारों ने मलाई उन्होंने भी तो खानी है ना, सत्ता का जो मजा है, सत्ता में ताकत में वो बैठे हैं तो वो अगला चुनाव नहीं लड़ना है, अगला चुनाव वो लड़ेंगे। रफी अता साहब, किस बीजेपी के नेता ने इस सरकार में बैठे हुए मंत्री ने कहा कि साहब ट्रस्ट में हम ही रहेंगे, हमको रखना चाहिए, हमें रखिए? रफी अता साहब सलाम करूंगा उन्होंने शांति के साथ। रफी अता साहब कुछ तर्क तो होना चाहिए आपके पास, ये बात कैसे मान लें? बताइए ये बात कैसे मान लें कि सत्ता की मलाई खाने वाले इसका फायदा उठा रहे हैं? कहां भी ऐसी कोई बात आई सर, अगर सत्ता के लोग इसमें शामिल होंगे, मैं कहता हूं देखिए हमारा कोई मैटर नहीं है ना, हम बोलना चाहते हैं ये कोर्ट का और सरकार का है, लेकिन सरकार में निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए। जो लोग हैं धर्माचार्य हैं उन लोगों को इसमें शामिल होना चाहिए, जहां तक मैं राजनीति की अगर इसमें शामिल होंगे तो राजनीति होगी। सोमनाथ का जब मंदिर बना था तो पटेल जी उस समय गृह मंत्री थे, पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, और उस समय पर पूरा एक ट्रस्ट बनाया गया था और सरकार की देखरेख में वो ट्रस्ट बना था, उसके अधीन वो मंदिर बना था। सेम पैटर्न के ऊपर, सेम पैटर्न के ऊपर ये ट्रस्ट बना है, इसमें इसी सेम पैटर्न पे बनेगा, सरकार की देखरेख में बनेगा, इसलिए इसमें कहीं कोई मलाई खाने वाली बात नहीं है। मलाई का आप खा चले चोर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये दिया है कि आप ट्रस्ट बनाइए, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ ठीक है, काफी लोगों में जो इसके स्पेशल होते हैं वही कांग्रेस के लीडर हैं, तो इन्होंने भी ताला खुलवाया था, शिलान्यास करवाया था, बहुत बड़ा रोल इनका भी है, तो ये बेचैन है कि हम क्यों नहीं ट्रस्ट में आ रहे।
सर कांग्रेस को भी तो कांग्रेस पार्टी इस ट्रस्ट में शामिल होना चाहेगी? कांग्रेस पार्टी ये कहेगी केंद्र सरकार से चलो पार्टी की बात छोड़ो, अगर आपको अगर आपको आपको ट्रस्ट मिले तो आप आओगे? हंस क्यों रहे हो बताओ? ऐसा है रावत जी, मलाई खाने की आदत पड़ी है, ये उसको भूल नहीं सकते। चोर को हमेशा सब चोर दिखाई देते हैं। ये अत्ता साहब सुन लीजिए, अत्ता साहब सुन लीजिए, वापस आपकी तरफ वापस सर सर वापस दूसरे को भी जरा सुनिए, एक सेकंड सर जी। ऐसा है चोर को सब चोर दिखाई देते हैं, इनको मलाई खाने की और इस तरह के ट्रस्टों में ना कमाई खाने की आदत पड़ी हुई है। तभी अत्ता साहब कह रहे कि वहां पे चोर को सब चोर दिखाई, चोर है ना ये, पहले मूलतः चोर है, इनके जीन्स में चोरी लिखी हुई है इसलिए सब लिखा हुआ है। अरे सर, अरे हाँ सुन लीजिए, नहीं आप लेकर जा रहे हैं, आप लेकर जा रहे हैं, आप हमारे साधु संन्यास जिन्होंने अपना पिंड दान करने के चलते हैं, जो अपने जो अरे अत्ता साहब सुन लीजिए, जो अपना अपना पिंड दान करके सन्यासी बनते हैं, आप उन पर चोरी का इंतजाम लगा रहे हैं? आप नीतीश में निर्भय का रहा हो या रावण? अरे आप चोर हैं, आप पूरे देश का लूटा है, इससे ज्यादा क्या कहेंगे? पूरे देश का लूटा, आप पूरे देश का लूट के खाने, इससे ज्यादा और क्या बात करेंगे? आप बैठ के यहाँ पे डिबेट में आके बच्चे भाषण दे रहे, आप साधु सन्यासी का आक्षेप और लांछन लगा रहे हैं, आप उनको चोर बता रहे हैं? कोई भी आए, लेकिन वही लोग आएगा जिनकी आस्था है, जिन्होंने यहाँ पे त्याग किया, जिनका सैक्रिफाइस किया, जिन्होंने हिम्मत में तोड़ के भाले से तोड़ा है और वहाँ पे गोलियां खाएंगे, ये लोग रहेंगे। आप जैसे चोर आ भी नहीं सकते, आपको झाड़ू लगाने में भी नहीं आ सकते वहाँ पर। मगर अब ऐसे में उमानंदन जी, ये जो ट्रस्ट बने, जाहिर तौर पर आप लोगों ने एक आंदोलन की शुरुआत की, बीजेपी ने आपके आंदोलन को समर्थन किया एक दौर में, उसके बाद में ये पूरा अब कैसे शिवसेना ने इसको अपनी लड़ाई बनाई और एक अलग पूरा इतिहास उसका है, मगर अब वीएसपी अब क्या छाएगी? इस ट्रस्ट के अंदर केंद्र सरकार के भी लोग हों, इस ट्रस्ट के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार के लोग हों, साधु संत हों, या फिर जिन जिन अखाड़ों ने या जिन जिन संगठनों ने इस पर मेहनत की है या फिर लगे रहे, उन लोगों को शामिल किया जाए। पूज्य अशोक सिंघल जी का बहुत पहले का कभी आप स्टेटमेंट उठा के देखना, उन्होंने कहा था कि विश्व हिंदू परिषद की लड़ाई केवल मंदिर के निर्माण तक है, इस युद्ध को जीतने तक का है, उसके बाद में जो माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय होगा, अगर वो विश्व हिंदू परिषद उनको लगता होगा कि इन्होंने सेक्रीफाइस किया है, इस लड़ाई को लेके आए हैं, उनको वहां पे जाना चाहिए, वे ट्रस्ट में इनके तो ट्रस्ट होना चाहिए। और दूसरी चीज, निर्मोही अखाड़े को उस जमीन से उसमें उनका जो वाद था उससे उनको बेदखल किया, लेकिन ये नहीं कहा कि वो ट्रस्ट के मेंबर नहीं हो सकते। निर्मोही अखाड़े को होना चाहिए, ऑर्डर किया है, ठीक है, वही मैं सरकार के लोग रहेंगे, ठीक है, और ये पारदर्शिता बनी रहे। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक ऑब्जेक्शन भी, देखो इसमें इसमें ऑडिटिंग होंगी, पारदर्शिता बनी रहे, इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ये इतने ऐसे, क्या इनका भी कोई प्रतिनिधित्व इन सब का? ये सब चीजें वो उनको सोचना है, बड़े लोगों को सोचना है, ये सब बेकार की बात है। जैसे अभी प्रमोद जी ने कहा, कुछ लोग तो आते हैं उंगली कटवाने के लिए, आपका अपना विवेक तो उंगली कटवा के शहीद होना चाह रहे हैं लोग, कुछ लोग ऐसा है उंगली कटवा के शहीद होना चाह रहे हैं, बाकी कुछ जो इन्होंने लड़ाई ली है वो पूरे हिंदू समाज पूरे भारतवर्ष। देवेंद्र प्रमुख जी, सरकार माना ऐसा जा रहा है कि शीतकालीन सत्र के अंदर इस पर एक विधेयक लाने जा रही है और सलाह मशवरा गृह मंत्रालय से लेकर के कानूनी दापोच और इन तमाम चीजों के बीच में हो रहा है। किस मंत्रालय के तहत ये ट्रस्ट आएगा या फिर इसमें
पॉलिटिशियंस को भी रखा जाएगा, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी भी सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी में अब हैं, उसमें किसी कैटेगरी में हैं, प्रधानमंत्री खुद हैं उसमें, प्रधानमंत्री खुद नहीं है, मोदी नहीं है, प्रधानमंत्री हैं उसके अंदर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होने चाहिए उसमें। देखिए जब्बार सर, मैं क्लियर करना चाहूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 मंथ का जो टाइम दिया है सरकार को, उसमें हमारे पास अभी टाइम है, और सरकार जो है बिल्कुल पारदर्शिता, जैसे धर्मगुरुओं की बात आ रही है, अखाड़ों की बात आ रही है, हम सबका स्वागत करते हैं, हम चाहते हैं कि ये खुशी के समय में सब शामिल हों इसमें, और किसी ना किसी रूप में जो सहयोग देना चाहता है वो सहयोग हमें स्वीकार्य है। बहुत आपने देखा स्पीच के माध्यम से इधर उधर से कि हमारी सारा अधिकार उनको सौंप दिया जाए। देखिए मैं स्वामी जी के बारे में मैं नहीं कोई त्रुटि करूंगा, क्योंकि स्वामी स्वामी हैं और स्वामी का हम सम्मान करते हैं, स्वामी के साथ में हमारे शंकराचार्य हैं। दूसरी बात, मैं किसी निजी टिप्पणी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इतनी अपील तो कर सकते हैं कि जरा धैर्य बनाए रखिए, मैं क्लियर करना, शांति बनाए रखिए, चीजें हो रही है, 3 महीने का इंतजार कर रहे हैं। मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें ये जो देखिए एक उत्साह का समय है, और उसमें जो है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है कि बहुत ऐसी संस्थाएं हमारे देश की, बहुत बड़े बड़े ऐसे जो लोग हैं, चाहे वो धनवान समझ लिए चाहे आर्थिक रूप से, जो इस मंदिर का हिस्सा बनना चाहते हैं, ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छी बात है, और एक अच्छा ट्रस्ट बनेगा निश्चित। हम इस पे बैठ के आपको दावा कर रहे हैं कि सरकार निष्पक्ष और एक स्वच्छ ट्रस्ट बनाने का काम करे। वही अंदाज अपनाया जाना चाहिए जो सोमनाथ को लेकर के था, और फिर उसमें किसी के पास विवाद का कोई हथियार राय। मैं जब्बार सर ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम जो पीछे हुआ अच्छा हुआ उसको हम अच्छा मानते हैं, गलत को गलत मानते हैं, लेकिन हम सबसे अच्छा करना चाहेंगे, सबसे बड़ा दिन हमारे एचएस रावत जी, सबसे बड़ी बात है ये, और ये भव्य मंदिर विश्व के मंदिरों में से एक होगा, वो एक अच्छी और खुशी की बात ये है। सोमनाथ ये सरकार चाहती है, वो ये सरकार करना चाहती है, उसी को रिपीट किया जाना चाहिए। देखिए ऐसा है कि जो पहले का जो ट्रस्ट बना हुआ है वो ट्रस्ट का आधार कुछ और है, ये ट्रस्ट का आधार कुछ और है, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में बनेगा, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लोग भी होंगे, हर चीज को देखने वाले लोग होंगे, इसलिए वो जो ट्रस्ट पहले बना हुआ है उसको मैं नहीं समझता उचित है, उनकी हिस्सेदारी इस ट्रस्ट में हो ज्यादा अच्छा है। जैसे सोमनाथ की तर्ज पर मंदिर का निर्माण हुआ, उसी प्रकार से ये मंदिर का निर्माण होगा, और इसमें बड़े बड़े लोग भी होंगे, जैसे कि आप केदारनाथ के अंदर स्वामी रामदेव ट्रस्टी हैं, केदारनाथ के अंदर मुकेश अंबानी ट्रस्टी हैं, ऐसे बड़े बड़े जो इसमें दान करने वाले हैं उनको भी लेना पड़ेगा, साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव जो लोग हैं, लॉयर हैं जैसे प्रमोद जी हैं, कुछ ऐसे लोग भी इसमें लेने पड़ेंगे जिसके कारण कहीं ना कहीं किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। इसलिए ट्रस्ट में सभी लोग इसमें इन्वॉल्व किए जाएंगे, और साधु संतों का भी इसमें सम्मान होने वाला है। जैसे अभी मुक्तेश्वरानंद जी कह रहे थे हम कोर्ट में चले जाएंगे, मैं ऐसे साधुओं की बातों से सहमत नहीं हूं, उनको भगवान राम के प्रत्यास्था होनी चाहिए, सरकार के प्रत्यास्था होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के प्रत्यास्था होनी चाहिए, उनको लगना चाहिए। अगर आप, मैंने इतनी डिबेटें की है पिछले 10 साल में, मैं तैयार हूं, मुझे नहीं चाहिए, अगर आपको लगता है मुझे ले लो, नहीं चाहिए, मैं भक्त हूं सिर्फ। अभी अभी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं कि लोग अपने अपने तौर पर सारी बातें बोल रहे हैं, तो ये तो बोलते रहेंगे ऐसे जब तक ट्रस्ट नहीं बन जाएगा, या ट्रस्ट बनने के बाद में भी अगर जगह नहीं मिलेगी, उसमें जगह नहीं मिलेगी तब भी ये बोलेंगे। जब अगर कोर्ट तक जाने की बात कही जा रही है अभी से इंतजार किए बिना, कैसे ये चीजें स्मूथ कैसे होंगी? देखो एक ना संस्कृत में श्लोक है, उसका अर्थ यह है कि वाद विवाद से ना एक सिद्धांत का प्रतिपादन होता है, जब तक आप बहस नहीं करोगे तब तक दही को मथोगे तो मक्खन नहीं निकल के आएगा। ये दही को मथने का कार्य चल रहा है, इसमें से मक्खन निकलेगा, समुद्र को मथा उसमें से 14 रत्न निकले, इसमें से अब रत्न निकलने वाले हैं। उसका एक स्तर होना चाहिए, दायरा होना चाहिए कि कहां तक जाना है। देवासुर संग्राम हुआ था, एक तरफ देवता लगे थे, एक तरफ राक्षस लगे थे, तभी समुद्र को मथा गया, सब तरह के लोग होते हैं, यहाँ पे किसी को नहीं रोका जा सकता, और उसमें से ही रत्न निकलेंगे। यहाँ पर एक बाइट दिखाई अभी अब मुक्तेश्वरानंद जी की, दंडी स्वामी जी की, वो ही कह रहे थे कि साधु संतों को साइड पे करके हम तो कोर्ट चले जाएंगे, ये आस्था नहीं है, ये राजनीति है टोटली, ये चाहे साधुओं की हो चाहे किसी की हो, मैं खुद कह रहा हूं, हमने इतनी डिबेटें की, इतना कुछ यहाँ पर बहस की है, लेकिन हम तो भगवान से ये कहते हैं मंदिर का फैसला आ जाए, वो फैसला आ गया, वो आ गया, और यही बस हमारा हमारा काम खत्म, अब सरकार जाने। इंतजार लोगों में था, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट एक ट्रस्ट बनाएगी, ये उसमें कह रहे हैं कि ये वही बात है, रावत जी भी वही बात, अगर उनको नहीं लेंगे तो वो कोर्ट में जाएंगे, ये रावत जी भी कह रहे हैं। अब ऐसे में फजल साहब गवर्नमेंट का डिस्क्रेशन है, फजल साहब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, बहस से कई सारी चीजें सामने आ रही है,
कि हर 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 सेक्शन के हर अखाड़े के साधु संत भी अलग अलग हैं, उनकी सोच भी अलग अलग है, जबकि धर्म एक है, उसमें आस्था एक है, उसमें प्रक्रिया एक, यही तो सुंदरता है हिंदू धर्म की। नहीं नहीं, यही तो सुंदरता है कि हम सबको सब कुछ बोलने के लिए यहाँ पे कोई शिव भगवान शिव को देवता भगवान के अधिकार को लेकर के अगर सोच नहीं, जब जब तक ये डिबेट नहीं होगी, जब तक ये बहस नहीं होगी, तो रत्न नहीं निकल सकते समुद्र से। देखिए, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, भगवान राम सबके हैं और हर साधु जो भी सन्यासी है चाहे जो भी धर्म के लिए काम कर रहा है वो चाहता है कि भगवान राम हमारे हिस्से में ज़्यादा आवें। इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं, हर 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 भक्त की यही आस्था होती है कि भगवान हमारे हिस्से में ज़्यादा आवें, तो इसमें बुरा मानने की बात नहीं। फिलहाल शीतकालीन सत्र का इंतजार करना चाहिए कि सरकार किस तरह का, और दूसरी बात यह है इसका पूरा संचालन जो है ना चेयरमैन कमिश्नर, बात वहां तक तो ठीक थी कि हर अभी अभी देखिए जब तक किस तरह के ट्रस्ट भी अपने आप अभी इसका चेयरमैन जो होगा ना ऐसे होने लगे, इस ट्रस्ट का चेयरमैन जो है कार्यकारी अध्यक्ष या राम जन्मभूमि न्यास कमिश्नर होगा, प्रशासनिक अधिकारी इसका पूरा संचालन करेगा। इतने पैसे कोई ट्रस्टी या कोई जमीन इकट्ठा नहीं, बिल्कुल पैसा कहां गया, वो पैसा कहां गया, वो चीजें कहां गई, सब तो पुरानी बातें, तो पुराने तरीके से जांच का विषय है वो बीएचपी जाने कैसा गया, वो बिहार साहब जाने कहां चला गया, शर्म भी आती है। जहां बातें हजम तो होना तो छोड़िए, जहां लगता है कि हो क्या रहा है, सब कुछ क्या लालच के इर्द गिर्द चीजें घूम रही है। मैं यही कहना चाहता हूं, जब इतने बड़े भव्य हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भव्य मंदिर बनने वाला है, वहां पर कोई छोटा ट्रस्ट इतनी बड़ी व्यवस्था को नहीं संभाल सकता। सुप्रीम कोर्ट का अपना विजन है, इसलिए उन्होंने सरकार को बोला है, सरकार के अधीन ये सब चीजें होंगी, इतना बड़ा दान आएगा, इतने बड़े लोग आएंगे, वहां सारी व्यवस्थाएं होनी है, सब कुछ होने वाला, लोगों के रुकने की छोटे तो और ऐसे में यतिमा चेतनानंद जी छोटे, ये तो अभी ऐसा भी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में केंद्र सरकार ने ट्रस्ट बना दिया और सबको साइडलाइन कर दिया, अभी तो चीजें आगे होनी है। देखिए जो कुछ हो रहा है, जो कुछ जो क्लिप्स आपने चलाए हैं वो किसी भी स्तर पे शोभनीय नहीं है और किसी भी सभ्य साधु को इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। साहब, इसमें इतना पैसा इकट्ठा हुआ कहां गया, जमीनें इकट्ठा कर ली, हड़प ली, देखिए ये तो जांच का विषय है, अगर ये तो जांच होनी चाहिए, बहुत स्पष्ट इस पे जांच होनी चाहिए कि वो पैसा कहां गया, कौन सी आपको डिसोन कर दिया गया है, आप इसमें मत बोलिए, आपसे जो सवाल पूछा जाए उस सवाल का जवाब दीजिए। चलिए सुन लेते हैं, चूंकि देखिए जवाब ही देखिए बहुत स्पष्ट है कि जो न्यास अब तक था वो सफिशिएंट न्यास नहीं है और कोर्ट ने बहुत स्पष्ट गाइडलाइन दिया है और उस स्पष्ट गाइडलाइन के तहत ये हो सकता है कि उस न्यास को आमंत्रित कर लिया जाए, उसे मर्ज कर लिया जाए एक बड़े ट्रस्ट में, लेकिन ये संभव नहीं है कि निर्देश दे दिया है। ठीक है, ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे बोलिए जल्दी से। सर, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दे दी है, फैसला दे दिया और उसके निर्देश भी दे दिए, अब ऐसे में सारी चीजें हो रही है, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, जल्दी से मुझे वाइंड अप करना। मैं ये कहना चाह रहा था इन लोगों ने जल्दी से, अल्लामा इकबाल ने बहुत अच्छा शेर कहा है, हराम के वजूद में हिंदुस्तान अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद, मगर आप आरोप लग रहे हैं कि आपने इस शेर का पालन नहीं किया, यह क्या दिक्कत है सर, सम्मान के साथ आप उनको इमाम हिंद समझ लेंगे, आप तो आपने तो हलफनामा दिया था, अरे रफी आपने तो हलफनामा दिया था, राम नाम की कोई चीज ही नहीं है, ठीक है प्रमोद कुमार, ये आपने हलफनामा दिया था, अब आप अल्लामा इस्लाम का इमाम हिंद बोल देंगे आप, ऐसे में आप क्या देखते हैं कि केंद्र सरकार दरअसल फूंक फूंक कर कदम रख रही है कि इस तरीके से चीजों को गठन किया जाए कि उस पर किसी को आपत्ति ना हो और उसमें सबका प्रतिनिधित्व भी हो जाए, किसी को एतराज भी ना हो, सब खुश खुश होकर के रामलला के दर्शन और राम के एक भव्य मंदिर का निर्माण हो जाए। देखिए इसमें दो राय नहीं है, ये जो सरकार है आप देखेंगे कि जो कार्य करेगी, चूंकि ये इशू पर पूरे विश्व की निगाहें हैं और एक एक भारत का जो है ऐतिहासिक चीज है और इसमें
जो है वो कोशिश करेगी सरकार कि हम उस ऐतिहासिक चीज को बरकरार रखें और एक स्वर्णिम इतिहास रचे, तो वो सरकार भी बहुत फूक फूक के कदम रहेगी और कोशिश करेगी कि जो इस फील्ड के स्पेशल हैं, जो जो स्पेशलाइज्ड पर्सन हैं, उस सबको इस ट्रस्ट में रख करके कोई किसी को भी सरकार रखे ट्रस्ट में भी किसी को भी रख सकती है, उसका डिस्क्रेशन पावर है सरकार का। देखिए और सरकार ये बहुत फूफू के कदम लेगी। सर जल्दी से आपसे आपका जो लक्ष्य है उसी सवाल पर एक बार फिर से आ रहा हूं। विश्व हिंदू परिषद का जो खाका है उसी पूरा अयोध्या एरिया को डेवलप करने जा रही है। विश्व हिंदू परिषद का जो नक्शा खाका है वही होना चाहिए, वही दिखना चाहिए, वही होगा। ठीक है ठीक है, आखिरी कमेंट यतिमा चित्रनंद सरस्वती जी आपसे। विश्व हिंदू परिषद का जो खाका है वही जमीन स्तर पर उतरेगा। असल में जबाजी जो खाका तैयार अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में हुआ था, जिस लीडरशिप में उसको तैयार किया गया था वो संपूर्ण है और उससे अलग कुछ भी और होने की आवश्यकता वहां पर नहीं है, वो सफिशिएंट है और उसी के ऊपर राम मंदिर चलिए। और चाहेंगे कि ये एक सहमति आप सब लोगों के बीच में बनी रहे ताकि जल्द ही अयोध्या को विश्व के पटल पर एक ऐसी नगरी के तौर पर देखा जा सके जहां पर विश्व के कोने कोने से लोग आए, न सिर्फ धार्मिक महत्व के हिसाब से बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, देवेंद्र प्रमुख जी आपका, यतिमा चित्रानंद सरस्वती जी आपका, फजील अहमद साहब का, उमानंदन कौशिक जी आपका, प्रमोद कुमार जी, एस एच रावत जी और मोहम्मद रफी अता साहब, मोहम्मद फाजिल साहब, आप सब लोगों ने वक्त निकाला और R9 टीवी के माध्यम से स्पष्टीकरण के साथ में लोगों तक एक संदेश देने की कोशिश की कि आस्था आस्था ही होती है, अधिकार के नाम पर कोई ऐसा बयान या फिर अधिकार क्षेत्र मिलने के नाम पर कोई ऐसी बातें जो कि ठीक नहीं है, वो भी राम के नाम पर, राम मंदिर के निर्माण पर, वो कतई सामने नहीं आनी चाहिए। इससे भक्तों में, श्रद्धालुओं में एक अलग किस्म का मैसेज जाता है। इसलिए उम्मीद हम करेंगे कि इन तमाम चीजों पर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिस ट्रस्ट का निर्माण करने जा रही है उसका इंतजार कीजिए, मगर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि अभी से इस किस्म की बातें आनी शुरू हुई। अभी के लिए इस चर्चा में इतना ही, आप देखते रहिए R9 टीवी। राम जन्म का मंदिर का निर्माण शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। ट्रस्ट बनाया जा रहा है सरकार को, अब इस पर विचार हो रहा है, जब जैसे बन जाएगा तो राम जन्म बनने की प्रक्रिया शुरू होगा, जो आदेश हुआ उसका पालन होगा।